ये देखो, ये वो प्लेन्स हैं, सबसे पुराना जो शहर था यूदी दुबई का। ये देखो ना, पालतू कबूतर, लोग मरे रहते हैं इन कबूतरों के लिए। भाई हो भाई, ये तो मेरे ऊपर आ गए सारे। ओ भाई सच में यार, टॉयलेट भी ना दिखाने लायक चीज थी। दिखा ये पुराने टाइप की, दिस इज वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो कैसे हो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ बेहतर हो गए। तो भाई आज घर से नहीं, आज बाहर से, मेट्रो स्टेशन के बाहर से अपना व्लॉग स्टार्ट करा है। और आज हम जा रहे हैं, हम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरे साथ शाहान भाई भी हैं। ठीक है, शाहान भाई वैसे दो दिन से हैं साथ में, ये भी जॉब देख रहे हैं साथ में। अच्छा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड है अच्छे खासे। ठीक है, तो आज जा रहे हैं हम एमिरेट्स। क्या है ये, एमिरेट्स ट्रांसपोर्ट? कोई हेड ऑफिस है एमिरेट्स ट्रांसपोर्ट का, तो वहाँ जा रहे हैं। किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पर हायरिंग चल रही है, हमें बताया था, आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, कि ऐसा ना करना कि भाई मेरे ब्लॉग देखकर आप भीड़ लगा दो। तो यही सीन है, वहाँ जा रहे हैं, जाएंगे, रिज्यूम ड्रॉप करेंगे। सुना है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, अच्छी सैलरी देते हैं। चलो देखते हैं, आजमाते हैं अपना लक, यही रास्ता है। तो भाई देखो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, मैं शान भाई को बता रहा था कि अगर लाइन, भाई यहाँ पर ना बंदे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं ट्रैफिक लाइंस वगैरह जो होती हैं। जैसे ये देखो, ये ट्रक देख रहे हो, ट्रक के आगे ये पूरी लाइन है, गाड़ियों की लाइन है, इसके बराबर में एक और लाइन है। लेकिन भाई ये चाहते तो आगे निकल जाते हैं, यूँ करके कट के अपने इंडिया की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है ऐसा, बंदे मेंटली कूल है, यहाँ पे कूल हो जाते हैं फिर, मतलब कि अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि भाई फाइन इतने तकड़े हैं, रूल इतने सख्त हैं। और भले ही यहाँ पे कोई कैमरा ना हो, भले ही यहाँ पे कोई पुलिस वाला ना हो, लेकिन अपने रूल्स को कोशिश करते हैं कि ना तोड़ा जाए, और नहीं तोड़ते ज़्यादातर मेरे हिसाब से। अब ये देखो अपना निकल गया, लेकिन इतना ही जाम अगर अपने यहाँ पे लग जाए ना, तो वो जाम फंस जाता है, क्योंकि भाई उल्टी सीधी गाड़ी निकाल लेते हैं। खैर भाई, हम जा रहे थे एमिरेट्स ट्रांसपोर्ट, सामने है, सामने वो छोटा सा बोर्ड दिख रहा है, वाइड एंगल कर रखा है तो इसलिए छोटा दिख रहा है, करीब में ही है हम लोग, देखते हैं। चलो, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है भाई, ये गवर्नमेंट सी कंपनी है ये। प्लेस ऑफ रेसिडेंस दुबई डेरा। भाई ये जो पीछे वाली बिल्डिंग थी, बिल्डिंग नहीं थी ये, जगह काफ़ी बड़ी एक एरिया था। यहाँ पर ना सिर्फ ड्राइवर्स का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, बाकी नेक्स्ट बिल्डिंग है जहाँ पर अब हमें जाना है। भेजा है उसने, गार्ड ने बताया कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पर ट्राई करो, चेक करो। और हमारे पास एक रेफरेंस भी है, विदाउट रेफरेंस मत आना भाई, मैं आपको यहाँ पर आने की सलाह बिल्कुल नहीं दूँगा, विदाउट रेफरेंस, ठीक है। चलिए, तो भाई इस सर्चिंग का नतीजा ये रहा कि गए वहाँ पर पता चला कि जिस लाइन के उम्मीद में गए थे वही लाइन है ही नहीं। और भाई हाँ, लेकिन ये लोग हायरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि भाई आप ऑनलाइन रिज्यूम सबमिट करो, ठीक है, और ऑफलाइन के लिए सिर्फ यहाँ पे ड्राइवर्स वगैरह की वैकेंसी हैं। जो ऑफलाइन ड्राइवर्स जो ऑलरेडी एमिरेट्स का, यूएई का लाइसेंस रखते हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। और ये भी मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसके मुंह से ऐसी बात सुनी, ठीक है, तो मेरी इस कंफर्मेशन पे मत जाना, डायरेक्टली मत आना, पहले अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी कर लेना, देन यू कैन कम हियर। और भाई वी आर गोइंग टू बैक अल्लाह टू द मेट्रो, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू टॉक इन इंग्लिश, लेकिन हो नहीं पाया सही से, ठीक है, उसको इग्नोर करना। बाकी भाई जा रहे हैं अपना मेट्रो की तरफ वापस। एक और मेरे पास डेस्टिनेशन है अभी जाने के लिए, जो पड़ेगी क्या बोलते हैं डेरा सिटी सेंटर, वहाँ चल के अपना रिज्यूम ड्रॉप करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भाई जो ये गार्ड्स होते हैं ना, आपको हर जगह से रोक लेते हैं। अगर आपने दुबई में पहले नौकरी ढूंढने की अगर कोशिश करी है, आप जानते हैं, तो आपको पहले ही पता होगा कि गार्ड्स है ना, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने से पहले आपको रोक लेते हैं,
वो ये कहते हैं कि इधर ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं जा सकता, तुमको इनवाइट किया तो जाएगा, बंगाली होते हैं, ब्लैक होते हैं, जो भी होते हैं। एक बड़ी बेहतरीन सी चीज़ दिखी मुझे यहाँ पर एमिरेट्स के, क्या बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन में ना। हाँ, ये देखो, ये वो प्लेन्स हैं, मतलब टॉयस प्लेन्स हैं, जिनके ऊपर लोगों ने अपने पैसेंजर से सिग्नेचर और फीडबैक लेता है। तो इन्होंने यहाँ लगा रखे हैं शायद ये सारे सी रेमी मेयर विन EK52 अलास्का। ओ, इसने तो कुछ ज़्यादा ही कर रखा है, पूरा भर दिया। और ये देखो वहाँ का पूरा, ये किसी ने बनाया भाई, देखिए आर्टिस्ट था कोई भाई ये। इतने सारे हवाई जहाज। सो नाउ गोइंग बैक, मेट्रो स्टेशन में आ गए। पानी खरीद भाई, ढाई दरम का, बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में कट कर रहना, ठीक है। 23 से। हाँ, तो जस्ट अभी एग्जिट किया है भाई अलगूबैबा मेट्रो स्टेशन से, एमिरेट्स मॉल से आ गए। मैंने सोचा कि यार क्यों ना जब निकले ही हैं, देखो रिज्यूम ड्रॉप करने पे मैं यकीन नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता, और भाई ने भी यही बात कही, क्यों क्या कहते हो? हाँ जी बिल्कुल, रिज्यूम ड्रॉप करने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है इतना तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे इंटरव्यू के और सिलेक्शन के। हाँ, तो भाई ये वो आदमी जो अभी कुछ दिन पहले आया और ये समझ गए। और देखो मैंने पहले भी कुछ लोगों को देख करते हुए देखा है गलती, तो मेरे ही जानने वाले मेरे ही भाइयों ने क्या किया था कि उन्होंने वो डिपेंड रहे कि विजिट रिज्यूम ड्रॉप पे, तो उनके रिज्यूम्स ना ज़्यादातर रद्दी में डाल दिए जाते हैं, जो सच्चाई है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करो कि आपको रिज्यूम ड्रॉप ना करना पड़े, आप ऑनलाइन अप्लाई करो विद कवर लेटर। अगर आप बाई डिज़ाइनर टाइप हो, किसी भी टाइप के डिज़ाइनर जिसमें आपको अपना वर्क दिखाना पड़े, उसके लिए आपको भाई पोर्टफोलियो वगैरह ये सब चीज़ प्रोफाइल, ठीक है, ये भी चाहिए होती है। तो फिलहाल अभी अलगूबैबा पार्क, जिसे कहते हैं नेपाली पार्क, भाई ये नेपालियों का स्पेशल पार्क है, तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। तो हाँ, तो दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा नेपाली ना इसी जगह पे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नेपाली भाई हमारे, नेपाली भाई अपने भाई ही है यार, अपने साथ के दोस्त भी हैं नेपाली। खैर, हम यहाँ से निकलते हुए जाएंगे सीधा उस तरफ से मीना बाज़ार, आगे से राइट कट जाएंगे मीना बाज़ार, और मीना बाज़ार से फिर अपना अलसीफ से अपना बोट उठाएंगे, लेंगे मतलब, फिर वहाँ से और एक और जगह पर। देखो अरे क्या क्या मस्ती काट रहे हैं, नहा रहे हैं ना कबूतर। और ये मैंने पहले भी दिखाया था वीडियो में कि पहले चलते चलते वहीं आ गए फिर से, लेकिन इस बार दिन में, लास्ट व्लॉग में भाई रात में थे। व्यू तो हमेशा ही अच्छा लगता है यहाँ का, आज क्लियर क्रिस्टल क्लियर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि नीचे ब्लैक सा लग रहा है, बेहतरीन वाटर। तो दैट इज़ द सबसे पुराना जो शहर था दुबई का, ठीक है, सबसे पुराना जो घर थे, ये जो घर देख रहे हो ना आप, ये सारे घर इस तरफ से इस तरफ, ये तो ये घर जो है ना अरबियों के, जो अरबी यहाँ के राजा वजह रहे, मतलब पुराने जो प्रिंस वगैरह रह चुके हैं, वो कभी बहुत ज़माने पहले इन्हीं जगहों पर रहा करते थे। अगर मैं उस साइड से आता ना, दूसरी साइड से, तो मैं तुम्हें दिखाता कि उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनके घरों के नेम प्लेट वगैरह लिखे हैं, बनी हुई हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो उससे समझ आता है कि वही प्रिंस खानदान के जो हैं। तुझे देख देख जीना, मुझे देख देख हंसना, मैंने ये जिंदगी कहानी संग तेरे भी कहानी है, बेहतरीन। बड़ी पसंद है यार ये गाड़ी, बहुत ज़बरदस्त मसल कार में सबसे बेस्ट कार है अभी तक की, शायद अभी तक की बेस्ट कार है, और मेरे लिए तो बेस्ट है ये गाड़ी, इसमें बड़ी प्यारी है यार।
किलो। ये देखो ना पालतू कबूतर, लोग मरे रहते हैं इन कबूतरों के लिए। और यहाँ पर आवारा है, आवारा है यहाँ। और इसमें 60% जो है ना वो वाला है जो पालतू वाले कबूतर होते हैं, और वो इसी तरह से भाई अपना दुबई में तुम्हें हर जगहों पे मिल जाएंगे इस तरह से। हाँ भाई आजा आजा। ओ भाई ये तो मेरे ऊपर आ गए सारे। वाह मेरी जान, घेर लिया इन्होंने मुझे। कोई डर खौफ नहीं भाई, कोई डर खौफ नहीं। अपने यहाँ का बंदा होता ना छपका लेकर आता, पट देनी मार लेता। सही है। हाँ भले ही मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, मेरे ब्लॉग में तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो फुल ब्लॉग जो है कंप्लीट ब्लॉग डिटेल्ड ब्लॉग जो है इन जगहों के मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन भाई आज मैं डेज का व्यू, अक्सर मैं ना रातों में निकलता हूँ तो आज मैं दिन में निकला हूँ, ठीक है, और सही रोशनी में सही जगह पर हूँ। तो भाई ये देखो ना जहाज बहुत ऊँचा है, काफ़ी ऊँचा है। लेकिन ये ना यहाँ के हिसाब से बहुत छोटा है। पीछे की तरफ नहर के उस साइड जाके बहुत बड़े बड़े जहाज खड़े रहते हैं वहाँ पर, आपके मतलब के जो कार्गो वाले होते हैं इस साइड के। तो कितना छोटा लग रहा था ये, मेरे वाइड एंगल में भी सही से नहीं आ रहा है, बहुत छोटा लग रहा था दूर से। कितना मिलियन इससे बना हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये होटल है, ये होटल है, हेरिटेज होटल है भाई, ऐसा होटल है। मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस है ब्रो, न्यू एक्सपीरियंस कर सकते हो। प्राइस वगैरह के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं पता, क्योंकि नहीं गया, दैट्स इट सिंपल। तो अभी सामने ये हेरिटेज साइट है, यहाँ की ओल्डेस्ट जगहों में से ये भी एक है। तो पहले मैंने तुम्हें दिखाया अलसीफ शायद, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है, दोबारा आना हुआ तो क्यों अपने डेली ब्लॉग में नहीं दिखाया जाए। तो ऊपर छाँव के लिए बेहतरीन इंतज़ाम, गर्मी कम। ये देखो यार, ये देखो पेट में देखो, ये देखो टोटे, देखो पीतल के टोटे, ये है रिचीज। ओ भाई सच में यार, टॉयलेट भी ना दिखाने लायक चीज़ थी, दिखाने लायक। ये मैं पूरे तरीके से नहीं दिखा पाया क्योंकि वो टॉयलेट है, क्योंकि और तुम टॉयलेट के अंदर फिल्म बनाओ तो ठीक नहीं है, वो कहीं पर भी, यहाँ क्या कहीं पर भी, और वैसे भी दुबई के अंदर तो आप बिना परमिशन के किसी की वीडियो बना ही नहीं सकते, पंगा हो जाता है। तो इसलिए ना ब्लॉगर के लिए ये जगह बड़ी डिफ़िकल्ट है दुबई। तो ये देखो भाई, अरे अरे ये पुराने टाइप की देखी तुमने कभी, ये होती थी एमसीबी गांव में मैंने बचपन में देखी थी, ये घर में लगी हुई जो हमारे गांव का सबसे पुराने घरों में से एक था वो यहाँ पर। रिजर्व ऑफ कल्चर, घड़े गाय के लिए बता दी। Stick.
हेरिटेज टाइप का जो स्टारबक्स है ना, वो दुनिया के अंदर एक ही है इस तरीके का, इस थीम पे बना हुआ, और सच में बहुत फेमस स्टारबक्स में से एक है वर्ल्ड के अंदर ये, ठीक है। बाकी आपको इसका अनदर साइड दिखाता हूँ, ये सब जगह है। मैं जब इसमें लास्ट टाइम आया था तो बेहतरीन कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए आया था। आपको लिंक में आई बटन में इसका लास्ट ब्लॉग मिल जाएगा, वो नाइट वाला ब्लॉग था। बाकी भाई आप इंजॉय करो। तो भाई काफ़ी बड़ा है ये अलसीफ, पूरा पैदल कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी हम थके हुए थे, पहले से पैदल चले हुए थे, तो अब वापस जा रहा है दूसरी साइड बोट से बैठकर। डिसाइड करते हैं कि घर जाएंगे या बोट से जाएंगे। ओके वी विल सी। सो गाइस थक चुके हैं, काफ़ी कुछ तुम्हें दिखा चुके हैं, तो उसी के लिए पसंद आया अगर तो भाई लाइक कर दो मेरी वीडियो को, और भाई शेयर कर देना, और मेन चीज़ इज़ कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। नीड है, ज़रूरत है भाई, तुम्हारे भाई को सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई चलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, मतलब कल। तब तक के लिए गुड बाय।